नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान में शादी एक पवित्र बंधन है, एक संस्कार है, एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा बंधन जहां दो आत्माएं और दो शरीर मिलकर एक हो जाते हैं, एक ऐसा बंधन, एक ऐसा संस्कार, एक ऐसी पवित्रता जहां पति और पत्नी अग्नि के समक्ष या अपने रीति रिवाजों के अनुसार जब विवाह करते हैं तो एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि अब से उनके सुख और दुख एक हो चुके हैं, उनके सपने, उनके लक्ष्य, उनके रास्ते एक हो चुके हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी परेशानियां हो, मिलकर एक साथ उसका सामना करेंगे। साथियों, एक ऐसा संस्कार जहां ना तो मैं का स्थान है, ना ही तू का स्थान है, स्थान है तो सिर्फ हम का। साथियों, आज हम सब शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और आज हम ये कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया का या एक मॉडर्न इंडिया का पार्ट हैं। पर साथियों, इस मॉडर्न इंडिया में क्या हो रहा है? देश तो आगे बढ़ रहा है पर हमारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, रिश्तों की मधुरता खत्म हो रही है, आपस में खटास पैदा हो रही है। परिणाम क्या होता है कि शिक्षित होने के बावजूद भी, मसलों को सॉल्व करने की बौद्धिकता रखने के बावजूद भी, हम अपने मसलों को कोर्ट तक लेके जाते हैं, झूठे आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं और इतने गंभीर आरोप लगा देते हैं कि वहां रिश्ते सुलझने की बजाय और उलझ जाते हैं, उनमें खटास पैदा होती है और अल्टीमेटली उनका समाधान तलाक के रूप में होता है। जरा सोचिए, क्या कुछ आपके भाई बहनों का बिगड़ा, क्या आपके पेरेंट्स का बिगड़ा, आपके रिश्तेदारों का बिगड़ा या उस समाज का बिगड़ा? उनका कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा है तो सिर्फ आपका। आपने ही अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से अपने घर को खराब किया है। तो साथियों, आज बात करने जा रहा हूं उन तीन कारणों की। यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली वहां आपका तलाक हो जाएगा। और अगर आपने मेरी बात मान ली और वैवाहिक जीवन से इन तीन कारणों की पालना करना शुरू कर दी तो वहां पर डेफिनेटली आपके मसले घर में ही रहेंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेंगे और आप एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। साथियों, पहला कारण है कि आपस में तू तू और मैं की स्थिति होना। एक सामान्य भाषा में हम बात करें कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। भाई, शादी करी है, घर क्या कोई न्यायालय है? क्या घर कोई कुश्ती का स्थान है कि आप दोनों ही लड़ने की स्थिति में आ रहे हो? मसले हो भी गए, झगड़े हो भी गए, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप ये साबित करो कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। जब भी घर में झगड़े हो या पारिवारिक मसले हो तो वहां पर शांतिपूर्वक बैठकर बिना किसी बदनीयति के उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अपने घर वालों की हेल्प लें या किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लें जो काफ़ी हद तक इन मुद्दों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। साथियों, उन व्यक्तियों को बीच में ना लाएं या उन व्यक्तियों की हेल्प ना लें जो सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने के लिए या आपके झगड़ों को बढ़ाने के लिए आपके साथ देने का नाटक करते हैं। ऐसा करके आप अपना घरेलू जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपना वैवाहिक जीवन तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, मामले कोर्ट तक पहुंचेंगे और ऐसे ऐसे आरोपों का आपको सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो साथियों, घर की बात घर में रहे तो वहां पर घमंड त्याग कर माफ करने और माफी मांगने की नियति को अपने जीवन में उतार लें। घर में झगड़े होना सामान्य बात है, किसी के भी घर में कभी भी झगड़ा हो सकता है, झगड़ा सामान्य ही होता है। आप तूल देकर या अपने घर वालों के बहकावे में आकर उसे बढ़ा देते हैं और मसलों को कोर्ट तक लेके जाते हैं। ऐसा ना करें, अपने झगड़ों को, अपने मसलों को अपने ही स्तर पर सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर वो नहीं होते हैं या मसले इस तरह के हैं कि उन्हें घर में सॉल्व नहीं किया जा सकता या आपको तलाक की ही जरूरत है तो वो फिर स्थितियां अलग हैं। पर जहां तक हो सके 90% मामले आप घर में ही सॉल्व करें, उसके लिए डिस्कस करें, आर्गुमेंट्स ना करें। साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक दूसरे की परवाह ना करना। अरे, आपने शादी करी है या मजाक करा है? शादी में क्या है कि पत्नी आपके घर पे आ रही है, कुछ अपेक्षाएं आपसे लेकर आ रही है कि आप उसका ध्यान रखेंगे, कभी भी उसको दिक्कत होगी तो आप ऐसा गार्जियन उसके साथ में खड़े हुए हैं, पर आप ही उसके विरोधी हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? साथियों, कभी साइकिल देखी आपने? दोनों ही पहिए एक ही तरह के, एक ही साइज के होते हैं तभी वो साइकिल चलती है। अगर एक पहिया पंचर हो गया या एक पहिया आपने छोटा कर दिया तो वहां पर उस साइकिल का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। ऐसा ही वैवाहिक जीवन है कि अगर वैवाहिक जीवन में चल रहे हो तो एक दूसरे की परवाह करना सीख लो। अगर परवाह नहीं करते हो, केयर टेकिंग नहीं कर सकते हो तो वहां पर शादी आपको करनी ही नहीं चाहिए। अगर करी है तो वहां परवाह करना भी सीख लो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, धोखा देने या झूठ बोलने की आदत। साथियों, ये भी देखा गया है कि हम अपने कपल को धोखा देते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ
फिजिकली हो जाते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो वहां पर आप डिवोर्स फाइल कर लीजिए, अलग हो जाइए। इस बारे में अपने कपल को कॉन्फिडेंस दिलाइए कि भाई अब रहना पॉसिबल नहीं है। अगर कपल नहीं मानता है तो वहां पर डिवोर्स का भी एक रास्ता कोर्ट में आपको मिलता है। तो साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो लीगली भी आप करेक्ट हैं, सोशली भी आप जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। पर आप संबंधों में रहते हुए यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध या अन्य संबंध जो है रखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने कपल को भी धोखा दे रहे हैं और इनलीगल एक्टिविटी भी जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो साथियों, यहां मैंने डिस्कस करे कुछ कारण। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं, ताकि जो रिश्ते बिगड़ने जा रहे हैं वो सुलझ सकें, वो रिश्ते खराब ना हो, रिश्तों में खटास ना हो, रिश्ते मधुर रह सकें और हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें।